हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में होने वाली शिक्षक नियुक्ति के बारे में, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्लस टू विद्यालय में 7,576 शिक्षकों की और प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल में लगभग 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। अब नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी और बहुत जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइमरी टीचर एंड अपर प्राइमरी टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगस्त के लास्ट वीक तक आने की संभावना है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने शिक्षक नियुक्ति से रिलेटेड और कौन कौन सी बातों की घोषणा की है और कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन डिटेल में जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ सबसे पहले दी जाती है। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा या कोई सुझाव देने के लिए कमेंट अवश्य करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाए हेमंत। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग को 7,576 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा की। विभाग ने बताया कि प्लस टू विद्यालय में 5,610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। वहीं मॉडल स्कूलों में 979 शिक्षक और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सहायक क्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए और कहा कि 50,000 सहायक आचार्य के पद सृजन प्रस्ताव को पद वर्ग समिति ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। सीएम ने शिक्षक नियुक्ति मॉडल, स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रमों की समीक्षा की। 974 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित। सीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई की व्यवस्था है, वहां सॉफ्टवेयर और ई कंटेंट नियमित रूप से अपडेट हो। सीएम को विभाग के सचिव ने अवगत कराया कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए 89 पिछड़े प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 84 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हॉस्टल व परिवहन की सुविधा नहीं होने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीएम ने कहा, जल्द बहाल हूँ शिक्षक। अफसर बोले, 5,610 पदों का प्रस्ताव जेसीसी को भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षक नियुक्ति मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रमों के पर विशेष जोर दिया। सीएम ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में आधुनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करें। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्लस टू विद्यालयों में 5,610 शिक्षक और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव जेसीसी को भेज दिया गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए भी 10 दिनों में अधियाचना भेज दी जाएगी। सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही अधियाचना भेज दी जाएगी। वर्तमान में 974 विद्यालयों में आईसीटी लैब अधिप्राप्ति किए जा चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक 3,920 विद्यालयों में इसे चालू कर दिया जाएगा। मध्य विद्यालयों में भी आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मॉडल स्कूलों में 979 शिक्षक और 267 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो
तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और एग्जाम प्रिपरेशन और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इंडिया जॉब अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।